Hey yo, what's up guys? My name is Beast Gamer and welcome back to my channel Noob Legends. And in this video we will be doing one block challenge. So basically one block challenge मतलब होता है आप मेरे नीचे एक ब्लॉक है जिसको मैं अभी तोड़ रहा हूँ. ये ब्लॉक इन्फिनिट टाइम से टूटेगा और थोड़ा सा लैग हो रहा है उसके लिए सॉरी, वो फिक्स हो गया होगा. अब ये ब्लॉक इन्फिनिट टाइम टूट सकता है और इसके 10 फेजेस है. आपको ब्लॉक तोड़ना है और बस इसको एक्सटेंड करते जाना है और कुछ नहीं करना है इस गेम के अंदर. और बहुत मज़ेदार है इसके अंदर 10 फ्रेजेस के अंदर अलग अलग फ्रेजेस के, जैसे कि ओशन फ्रेज आएगा, वुडलैंड फ्रेज आएगा, स्नो बायोम वाला फ्रेज आएगा, ऐसा अलग अलग फ्रेज आएंगे. और आप जब देख सकते हैं कि मेरे को एक चेस्ट मिला जिसके अंदर से मेरे को थोड़ी सी सीड्स और एक सैपलिंग मिला है. और अब मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ जल्दी से. और ये बन गई मेरी क्राफ्टिंग टेबल. क्राफ्टिंग टेबल को मैं अभी रख दूँगा थोड़ी देर के अंदर. और बस ये गेम और ज़्यादा कुछ नहीं है. और इस एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ इस गेम के बारे में, अगर आपको ये मैप डाउनलोड करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना मत भूलिएगा. मेरी इंस्टाग्राम आईडी है noob_legends. सो प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम आईडी ऑल्सो. और मैं थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ अपना आइलैंड जिससे मेरे को थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे, मैं नीचे ना गिर जाऊँ, नहीं तो मेरा सारा सामान लॉस्ट हो जाएगा. और अब यहाँ पे जैसे पढ़ सकते हैं लेटर वेरी वेयर ब्लॉक्स विल स्पॉन, मतलब धीरे धीरे ब्लॉक्स रेयर होते जाएंगे. और अब मैं अपना सोच रहा हूँ क्राफ्टिंग टेबल रख देता हूँ यहाँ पे. मैंने क्राफ्टिंग टेबल रख दिया है, चेस्ट के अंदर अपना सारा सामान डाल देता हूँ. अगर मैं गिरता हूँ तो मेरा कुछ यूज नहीं होगा. तो मैंने एक ब्रिज का सैपलिंग सोच रहा हूँ लगा दूँ. मैंने एक ब्रिज का सैपलिंग लगा दिया है. और अब मैं थोड़े से अपने लिए टूल्स बना लेता हूँ. जैसे कि मेरे को पहले बनाना होगा अपने लिए एक शवल, एक एक्स, एक तलवार, ऐसे ही. तो मैंने अभी ओक प्लैंक्स बना लिया. अब मैं टूल्स बना लेता हूँ. पहले मैं स्टिक्स बना लेता हूँ. ये मैंने बना ली मेरी स्टिक्स. ये अब मैं स्टिक्स से बनाऊँगा पहले एक स्वॉर्ड. और मैंने एक स्वॉर्ड बना ली है. अब स्वॉर्ड बनाने के बाद मैं एक पिकैक्स बनाता हूँ, एक शवल बनाता हूँ एक. अब मैं बनाऊंगा एक पिकैक्स क्योंकि मेरी सिक्स खत्म हो गई. पहले सिक्स बना लेता हूँ फिर पिकैक्स बना लेता हूँ मैं. अब उप्स गलती से उल्टा रख दिया मैंने, कोई नहीं. अब ये मेरी एक पिकैक्स बन गई. अब बस अब मेरे को एक बनाना है एक्स जो मैं जल्दी से बना लेता हूँ. पर उसके लिए मेरी वुड ख़त्म हो गया. कोई नहीं, वुड मिल जाएगी नहीं तो जल्दी. तो अब मैंने तोड़ना वापस ब्लॉक चालू कर दिया. बस यही है इस गेम में, ज़्यादा कुछ नहीं है. और इसके अंदर मॉन्स्टर्स भी स्पॉन हो सकते हैं, आपको एनिमल्स भी स्पॉन हो सकते हैं, सब कुछ स्पॉन हो सकता है. और एक और चेस्ट मिल चुकी है मेरे को जिसमें से मेरे को दो लेदर, एक अंडे, दो अंडे और थोड़ा सा सीड्स मिल चुका है. मैं चेस्ट तोड़ लेता हूँ जल्दी से. और ये मेरे को बता रहा है कि आइटम चेस्ट के अंदर रख दीजिए नहीं तो घूम जाएंगे. ये आप मेरे को सिखा रहा है. मैं इसको बता दूँ माइनक्राफ्ट कैसे खेलते हैं, मैं तुमसे पहले से खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट. और मैंने एक्स बना ली है जैसे ही मेरे पास वुड आ गई है. और अब मैं अपना वैसे सारा सामान रख दूँ, अगर मैं गिर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी नहीं तो मेरे को. तो मैंने मेरा मोस्ट ऑफ द सामान रख दिया. और अब मैं थोड़ा सा अपना आइलैंड एक्सपैंड कर देता हूँ नहीं तो कुछ स्पॉन होता है तो. और ये ब्लॉक गलत लग गया गलती से, कोई नहीं. मैं शिट, ब्लॉक मेरा नीचे गिर गया. कोई नहीं, और ब्लॉक तो स्पॉन होते रहेंगे. अब बस मेरे को चाहिए, ज़्यादा नहीं मेरे को पानी चाहिए, मेरे को लावा चाहिए जिससे मैं इन्फिनाइट कॉबलस्टोन जनरेटर बना सकता हूँ. तो वापस खुदाई पे लगते हैं. बहुत क्ले मिल रहा है पर क्ले कुछ खास नहीं रहता है. और वुड काम की चीज़ें तो वुड मिल रही है, अच्छी बात है. तो अभी तो ये पम्पकिन मिल गया, वाह पम्पकिन. में हाथ मेलन भी मिल गया हमें, अच्छी बात है. अब मेलन की भी हम फार्मिंग कर सकते हैं. मेरे को ये मिल गया वापस डर्ट, वापस क्ले. बस सही है आपको. और ये छोटू सा पिक स्पॉन हो गया. और पिक कैसी हो मामा जी, कैसे हो? पिक साइड हो जाओ तो मैं लग जाएगी नहीं तो मैं तुम्हारे लिए एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ. पिक रुको, उस साइड हो जाओ पिक. मैं थोड़ा पीछे से भी एक्सटेंड कर देता हूँ नहीं तो मैं गिर सकता हूँ पीछे से.
और मेरे डॉट खत्म हो गए, पर मेरे को एक और डॉट मिल गई यहाँ से। और मैंने पीछे पिक थोड़ा साइड में जाओ, और मैं वापस अपनी खुदाई पे लग, और मेरे को पहली बार ब्रिज का एक लॉग मिल गया। मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ, फिर मैं उसको चेस्ट के अंदर रख देता हूँ कि मेरा कुछ खो ना जाए। और मैं सारा क्ले के ब्लॉक बना लेता हूँ, जिससे मैं क्ले के ब्लॉक से भी एक्सपैंड कर सकूँ। और मैंने क्ले के ब्लॉक बना लिए हैं, अब मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ साइड से, कि ये पिक थोड़ा सा इसको जगह मिल जाए, नहीं तो मेरा बेचारा पिक, पहला स्पॉन पिक नीचे गिर जाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये पिक मेरे लास्ट एपिसोड तक जिंदा रहेगा, ये नहीं मारूंगा मैं इस पिक को। और देखिए मेरा छोटा सा मैंने आइडेंट तैयार कर लिया, पर ये बहुत बेकार लग रहा है, पिक अपनी सही जगह पे जाके बैठ गया। चलिए वापस खुदाई पे लग जाते हैं, और जोन मिल रहा है, पर ये मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास और एक और चेस्ट मिल गई। चेस्ट के अंदर दो पम्पकिन सीड्स, दो लेदर और एक ऑरेंज ट्यूब। और अब मैं चेस्ट खोल लेता हूँ, चेस्ट भी ले लेता हूँ मैं। वापस मेलन, वापस ग्रास, ग्रास को मैं सबल पे शिफ्ट किया मैंने अभी। वापस मैंने अपना वापस मेरे को एक ब्रिज का एक लॉक मिल रहा है। वापस मेरे को लेमन ग्रास, बस इसके अंदर दिक्कत ये आती है आपको थोड़ी थोड़ी देर में आपका चेंज होता रहता है, तो आपको अपने टूल्स थोड़े चेंज करने में दिक्कत आ। ओ माय गॉड, एक और काओ। हेलो काओ, हाउ आर यू? आप भी एकदम लास्ट तक जिंदा रहेगी, मेरा ये कमिटमेंट है, मैं पहले बता देता हूँ। तो हट जाइए आप, नहीं तो आप गिर जाएंगे, पहले बता रहा हूँ। हट जाओ। और सिर्फ मेरे को ग्रास मिल रहा, पर अच्छी बात है ग्रास से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मेरे को मेलन मिल गया, मेरी शवल खत्म हो गई। और अब मेरे को एक नई शवल बना लेनी चाहिए, पर उसके पहले मैं सोच रहा थोड़ा सा आइलैंड एक्सपैंड कर दिया जाए। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे एक ग्रास मतलब डॉट ब्लॉक लगाता, पर मेरे को वो मिल ही नहीं रहा है, क्ले मेरा नीचे चला गया। तो अब मैं क्या करूँ? तो मैंने अब एक प्रकार से, एक तरह से मैंने सिर्फ एक साइड से एक्सटेंड करना चालू कर दिया है। और आप जैसे कि नीचे देख सकते हैं बहुत सारे स्टार्स, ये रहा हमारा सन या मून जो भी है, एक्चुअली ये सन है, पता है मैं इसको मून बोल रहा, पर ये सन है। और ब्लॉक्स में थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, जिससे कोई भी गिरे ना। और ज्यादा बोलूंगा नहीं मैं, ये मेरा पहला वीडियो है जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ, और मैं इसमें बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं अपने मोबाइल में अपना वॉइस ओवर कर रहा हूँ, फिर मैं अपने मोबाइल का जो वॉइस है मैं इसको डाल रहा हूँ अपने पीसी में, और पीसी से फिर मैं उसको एडिट करके आप पे भेज रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वॉइस ओवर करते रहूँ, तो मेरे को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं फिर हर वीडियो में ट्राई करूंगा वॉइस ओवर करने की। और मेरी मल्टीप्लेयर वाली सीरीज बंद नहीं हुई है, बस वो थोड़ी टेक्निकल इशू के कारण वो मल्टीप्लेयर वाली सीरीज थोड़ी ज़्यादा लैग हो रही थी, अच्छे से चल नहीं रही थी, मैं और मेरा फ्रेंड खेल नहीं पा रहा था। तो हमने सही कर दिया, पूरा सॉर्ट आउट कर दिया, और हम बहुत बड़ा सरप्राइज ला रहे हैं वो मल्टीप्लेयर सीरीज के अंदर। सो स्टे ट्यून फॉर दैट सरप्राइज, वो सरप्राइज बहुत जल्द आएगा, विद इन 1 वीक आ जाएगा वो सरप्राइज। तो थोड़ा सा अभी हम रेडी कर रहे हैं वो सरप्राइज, हम उसके लिए कुछ बहुत अच्छा बिल्ड करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको दबा दीजिए। और हमारा एक और चिकन आ चुका है, वाओ, पर मेरे को डायरेक्ट चिकन गिर जाएगा। एक और चेस्ट, जिसमें से मेरे को एक स्टिक और दो एप्पल मिल गए, अच्छी बात है। मेरे पास फूड सोर्स की कमी थी, पर मेरे पास फूड सोर्स है अब, और वापस क्ले मिलने लगा मेरे को, जो मेरे को बिल्कुल पसंद आ रहा है। सो मैं कह रहा था अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है, उसको उसको क्लिक करके उसको मारना है, जो करना है करिए, और उसको ग्रे बना दीजिए। मेरे बहुत जल्द 20 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, सो आई होप आप उसको क्लिक कर देंगे। और उसी के बाजू में एक बेल आइकन करके होगा, उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और एक और शीप स्पॉन हो गई। हेलो शीप, आप मेरी बेड बनाने में मदद करेगी, पर अब मेरे को आइलैंड लगता है एक्सटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो आप गिर जाएंगे मेरे को लग रहा है। सो मैं आयरन अभी एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा, एक्सटेंड, और इतना काफी है मेरे ख्याल से। शिट, मैंने ब्लॉक्स पिक दिए, कोई नहीं मिल गए मेरे को ब्लॉक्स।
और अब मैं साइड साइड से पूरा एक्सटेंड कर देता हूँ जिससे ये लोग कहीं ये गैप में से नीचे ना गिर जाए, नहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होगा। सो आगे ले आया मैं और एक दो तीन चार वापिस, अब सामने का भर देता हूँ, मेरे को लगता है पांच एक कम पड़ जाएगा, मुझे एक कम पड़ गया, पर कोई नहीं, अपना आइलैंड धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा है, बड़ा हो रहा है ये आइलैंड। और अगर आप चाहते हैं मैं थोड़ा नया कंटेंट लाऊं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरे को नया क्या करना चाहिए। आप चाहते हैं मैं स्काई ब्लॉक खेलूँ, मैं स्काई ब्लॉक खेलता हूँ, मेरे पास बहुत सारे सर्वर हैं। आप चाहो तो मैं सर्वर पे खेलता हूँ, मैं चाहो आप चाहो तो मैं लाइव स्ट्रीम कर देता हूँ। कौन से आपको किस बारे में लाइव स्ट्रीम चाहिए, पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर मॉडर्न कॉम्बैट, एसफॉल, अब कोई भी गेम बोल दोगे मैं वो जरूर ट्राई करूंगा। और मेरे को अगर अच्छा लगा वो गेम तो मैं उसकी वीडियो डालूंगा आपको। तो आप जल्दी से बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कौन सी वीडियो चाहिए अभी। और ये सीरीज आप बहुत लोग ये समझ रहे थे कि मेरी एक वो जावा एडिशन पे एक सीरीज थी जब मैं सिंगल प्लेयर पे खेल रहा था, वो बंद हो गई, वो बंद नहीं हुई है, वो सीरीज भी आएगी। थोड़ी टेक्निकल इशू के कारण मैं एक हफ्ते वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरा जो वो था फिल्मोरा वाला जो सॉफ्टवेयर था वो कुछ तरीके से खराब हो गया था। अगर मैं वीडियो एक्सपोर्ट करता तो मेरे को एक्सपोर्ट होके नहीं आ रही थी, पर अब मैंने उसको वापस पूरा सेटअप किया तो अब वो आ रही है वीडियो। तो अब मेरी वो वाली सीरीज भी कंटिन्यू होगी, टेंशन ना लीजिए। तो मेरी सारी सीरीज कंटिन्यू होने वाली है, पबजी मोबाइल वाली सीरीज अभी चली रही है। एक और चेस्ट मिल गया मेरे को, दो एग और एक ब्रिज का वो सैपलिंग। तो मैं कह रहा था पबजी मोबाइल वाली वीडियो तो मेरी कंटिन्यू होगी, उसके साथ ये वन ब्लॉक वाली भी सीरीज आती रहेगी, मेरी मल्टीप्लेयर वाली भी सीरीज आती रहेगी, सारी वीडियोस आती रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई वीडियो मैं अचानक से बंद कर दूंगा, और अगर मैं बंद करूंगा तो मैं आपको बता के बंद कर दूंगा कि ये वीडियो बंद हो रही है या फिर ये सीरीज अब बंद हो जाएगी। एक और काओ, ओपी वाओ, मैं इन्फिनेट काओ ले सकता हूँ, मेरे पास अब पूरा सोर्स है, मैं इनकी ब्रीडिंग करवाऊंगा और मस्त काओ फुल ऑन। सो अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, अब आप टाइम टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। Getting stronger every day. Keep on pushing through the pain. Keep on grinding till we take. Ain't no mercy in this life. There's nowhere left to run away. No, there's nowhere left to run away. Run away, run away, run away, run away. सो गाइज मेरे को पक्का सा यकीन है आपको मेरा टाइम लैप्स अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा टाइम लैप्स अच्छा लगा है तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत जल्दी हम लोग 3 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, जैसे ही मेरे 20 सब्सक्राइबर्स होंगे देयर विल बी समथिंग स्पेशल, पक्का समथिंग स्पेशल। तो एक चेस्ट मिली है जिसमें से दिल निकल रहा है, जिसमें से मेरे को एक कैरोट, एक सैपलिंग, वाटर बकेट, एम्प्टी मैप और ये, और मैं चेस्ट तोड़ता हूँ। ये क्या है, अपग्रेडिंग है। अच्छा अब अपग्रेड हो रहा है मेरा, तो नया फ्रेज मेरा अपग्रेड हो रहा है। तो मतलब ये जो जिसमें से चेस्ट में से जो दिल निकलते हैं मतलब आपका अपग्रेड होने वाला है। सो आप देख सकते हैं कि सेकंड फ्रेज पे पहुंच चुका हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ी रिफ्रीज कर रहा हूँ, आप देख लीजिए पढ़ लीजिए इसको। द अंडरग्राउंड मेनी अ मॉन्स्टर्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड मे बी कमिंग। सो इसका मतलब यही है कि
अब नीचे से अब मॉन्स्टर्स आएंगे, मतलब जो हमारे केव के अंदर जो मॉन्स्टर्स रहते हैं, अब ये सारे मॉन्स्टर्स आने लगेंगे, जैसे कि क्रीपर, स्केलेटन्स, ये सारे ज़ॉम्बी स्पॉन होने लगेंगे। तो अब मेरे को अपने एनिमल्स के लिए कुछ बनाना होगा, नहीं तो मेरे एनिमल्स बहुत खतरे में है। सो मैं बिल्कुल भी चाहता नहीं हूँ कि मेरे एनिमल्स बिल्कुल भी खतरे में रहे। सो लेट मी मेक समथिंग फॉर देम। तो मैंने थोड़ा सोचा है और फिर मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया है कि मैं इनके लिए यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बना देता हूँ जहाँ पे ये लोग रहेंगे फेंस के साथ। सो अभी मैं बना लेता हूँ, ओक फेंस का मैं बनाना चाहूंगा। सो मैं अभी जल्दी से बना लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए बस। और ये मैंने बना लिया है, एक सेकेंड, मेरे को स्टिक्स की कमी हो रही है, तो स्टिक्स की कमी के हिसाब से मैं ओक लॉग और ले लेता हूँ, ओक प्लैंक्स और ले लेता हूँ। मैंने स्टिक्स लगा लिए हैं, फिर मैंने यहाँ पे फेंसेस बना लिए हैं। मेरे पास टोटल फेंसेस आ जाएंगे मेरे ख्याल से 40 अराउंड, मेरे ख्याल नहीं 27, ठीक है 27 फेंसेस ठीक रहेंगे मेरे हिसाब से। तो अब मैं फेंस गेट बना लेता हूँ जल्दी से। फेंस गेट बनाने के लिए मेरे को रखनी है बीच में, मेरे को रखनी है साइड साइड में दो, मतलब दो प्लैंक्स और बीच में दो स्टिक्स, जिससे मेरे बनेंगे फेंस गेट। सॉरी, मेरे को रखने हैं साइड में दो स्टिक्स और बीच में दो प्लैंक्स, जिससे बन गया मेरे फेंस गेट। और अब मैं यहाँ पे फेंसिंग करना चालू कर रहा हूँ, जिससे मेरे एनिमल्स अंदर ही रहे। इतना काफी है, इसको मैं सामने की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ, साइड की तरफ। और ये ऐसे ऐसे ओपी। अब मेरे को एनिमल्स को अंदर लाना है, मैं अंदर कैसे लाऊंगा एनिमल्स को, मेरे पास वीट है नहीं। मैं पर इन सबको अंदर लाने का मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। जैसे कि मेरे पास शायद से एक वीट है, मेरे पास एक कैरेट है, एक चिकन के लिए तो मेरे पास ये है पम्पकिन सीड्स है, तो चिकन को तो मैं अंदर ले आऊंगा। फिर वही है कि मेरे को शीप इनको लाने में बहुत दिक्कत होगी, तो मेरे को इनको धक्का मार के अंदर डालना होगा। कोई नहीं, हम धक्का मार के भी अंदर डाल देंगे, पर अपने एनिमल्स को कुछ नहीं होने देंगे। सो अब मैं पीछे से भी मन कर देता हूँ, नहीं तो पता चला ये लोग पीछे से कहीं से निकल गए। और वो चिकन भाग गई, चिकन अंदर आओ ओपी, तुमने मेरा काम कर दिया और तुमने गाय को भी अंदर ले, अच्छा काम किया चिकन, गुड। और अब मेरे को इनको धक्का मार के अंदर आना होगा। मेरे पास कैरेट है, तो मैं कैरेट से इसको ले आता हूँ अंदर और गेट बंद कर देता हूँ मैं जल्दी से। और अब इनको अंदर ले जाना है, अब मैं शीप को धक्का मार मार के अंदर ले जाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पानी है, मैं चाहूँ तो सोर्स उगा सक मतलब मैं वीट उगा सकता हूँ, पर मैं अभी वीट नहीं उगा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को कॉबल स्टोन चाहिए और मेरे को अपने लिए घर बनाना है। और मेरे को ट्रीज चाहिए, क्योंकि अगर ट्रीज नहीं होंगे, वुड नहीं होगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो अब मेरे को ट्रीज चाहिए, तो मैं ट्रीज का जुगाड़ करूंगा कुछ। तो मेरा पिक तो अब मेरी शीप शायद से अंदर घुस जाएगी, बहुत पास में मैं धक्का मार रहा हूँ, और मेरी एक शीप अंदर घुस चुकी है। अब दूसरी शीप नीचे गिरने वाली है, पर मैं इसको गिरने दूंगा। और मैं क्राउच करके सामने आके शीप के, इसका सर तो खाली है, लग ही रहा था मेरे को। तुम्हारे सर के अंदर कुछ होता ही नहीं है, तुम्हारा ब्रेन ही नहीं है, क्या हो तुम लोग। मैंने ये गेट खोला और ये भाग गई। अब मैं इनका क्या करूँ, मैं काव को अंदर डालने की कोशिश करता हूँ, तो काव तो बहुत पास है गेट के पास, मेरे को गेट खोलना, बस इसको अंदर धक्का देना है। अंदर क्यों नहीं जा रही, मैं दोनों गेट खोल देता है, काम करता हूँ, दोनों गेट खोल दिया तो बाहर होते जा रही है। तमीज काव, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अब मैं उनको छोड़ के माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ, और मेरा पहला स्टोन मतलब कॉबल स्टोन आ चुका है मेरे पास। और अब मैं अपने, जैसे ही मेरे पास थोड़े से और कॉबल स्टोन आ जाएंगे, मैं अपना टूल सेपरेट कर लूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। सो अब मेरे ख्याल से ये अंदर घुस जाएगी, घुसा। चलो हमारी शीप एक और अंदर जा चुकी है, अच्छी बात है। और अब आती है दो काउ जो बाहर है, जो बहुत बदतमीज लग रही है मेरे को। सो मैं शायद से एक काउ को अंदर डाल दूँ, और दूसरी दिक्कत करेगी तो मैं नहीं डालूंगा उसको अंदर। सो एक को मैंने एक दरवाजा खोल दिया, और मैं दूसरा दरवाजा भी खोल रहा हूँ, और मेरे घर से चली जाएगी अंदर। और मेरी दूसरी काउ भी अंदर जा चुकी है, पूरी अंदर, ऑफकोर्स पूरी अंदर जा चुकी है। अब ये तीसरी काव का मैं देखता हूँ क्या करना है। एक और, अब मैं अपनी माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये काव का देखा जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास दो काव है। तो मैं अब इनको ब्रीड करवा के जितनी काव चाहो उतनी काव ला सकता हूँ,
और अब मैं यहाँ पे अपना डबल वो चेस्ट रख देता हूँ, जिससे मैं अपना थोड़ा सामान यहाँ पे रखूँ, क्योंकि अब रीपर वीपर आएंगे सब फटेंगे तो मेरा सारा सामान लॉस हो जाएगा। ये मैंने मेरे पिछले जब मैं पहली बार वर्कशॉप खोला था तब मैंने रियलाइज किया था कि एक बार क्रीपर ने आके मेरे पास बहुत अच्छा अच्छा सामान था, उसने एक बार क्रीपर फटा और मेरा सारा सामान गया। सो मैं अपना जल्दी से सामान सारा शिफ्ट कर देता हूँ, मेरे को 2 सेकंड दीजिए बस। और मैं सामान बस शिफ्ट कर ही रहा हूँ, मेरा सामान बस अंदर जा ही रहा है। अब मैं जल्दी से एक वो बना लेता हूँ स्टोन की पिकैक्स, जिससे मेरा जल्दी जल्दी काम होने लगे। और मेरे को एक और नई अचीवमेंट मिल चुकी है, गेटिंग एन अपग्रेड। सो ये काव को मैं भारी छोड़ देता, और मेरी सारी ग्रेवल नीचे गिर गई, वो ग्रेवल के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ग्रेवल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्रेवल ही मतलब आपके पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं, फ्लिंट एंड स्टील नहीं मतलब आप नेदर नहीं जाओगे तो आपके एंडर कॉल नहीं बनेंगे, जिससे आप एंड के अंदर नहीं जा सकते हो, तो बहुत दिक्कत है ग्रेवल के बिना। सो ग्रेवल का भी मेरे को कुछ जुगाड़ करना होगा, मैं बहुत जल्दी जुगाड़ करूंगा। और मेरे को पहली बार कोल मिल गया और कॉबलस्टोन और कोल मिल रहा है, इससे मेरे को एक्सपी मिल रही है। सो और मैं माइंड कर रहा हूँ, मैं माइंड करते जा रहा हूँ। और मैंने थोड़ी टॉर्चेस बना लिए, जिससे मैं थोड़ा सा मतलब बच जाऊँ, ज़्यादा ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो मेरा आइलैंड पे, नहीं तो फिर मैं बहुत खतरे में आ जाऊँगा। और मैं थोड़ी टॉर्चेस लगा लेता हूँ, मैं सैपलिंग थोड़ा बीच में लगा लेता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी ग्रास भी स्प्रेड होनी चालू हो गई है, तो मैं थोड़े दिनों बाद बस अपनी शीप को शेयर कर दूंगा, जिससे वो वापस खाना खा के वापस वो बुल देते हैं। तो अभी तो फिलहाल के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ ये वाले लिकाव को अंदर डालने के, तो मेरी दूसरे लिकाव बाहर आ जाएगी उतने में, तो मैं गेट बंद कर देता हूँ वापस। और अभी मैं गिरते गिरते बचा, ये काव मेरे को मरवाएगी, ये एविल काव। और मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको अंदर डालने की, ये शायद से अंदर चले जाए, चले जा। ये काव मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है, पर अब मेरे को इसके वजह से गिरना नहीं, मैं 2 बार गिरते गिरते बच चुका हूँ। और मैं इसको क्राउच करके धक्का दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से अभी अंदर घुस जाएगी। जा, क्या दिख रही है मेरे पास? मैंने एक गेट खोल दिया और ये मेरी ये काव के अंदर घुस चुके हैं। सो हमारा सारे एनिमल्स अंदर जा चुके हैं, अब सारे सेफ है। अब बारी आती है माइनिंग की, तो हम माइनिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमें आयरन मिल गया, अच्छी बात है, हमें हमारा पहला आयरन और हमने इसको बहुत जल्दी से मेरे वापस सारे ग्राम और डेरॉइट मिल गया, डेरॉइट एक और आयरन, एक और मेरे को ब्लॉक मिल गया। मतलब मेरे को कोई सेंस बताओ, ये नेक्स्ट फेज के अंदर जो था हमारा ये अंडरग्राउंड फेज वाला, इसके अंदर ओक लॉक कैसे आ गया, कोई मेरे को बता सकता है? ये ओक लॉक मतलब आ कैसे गया? अब मैं एक नई एक्स बना लेता हूँ, उसमें एक्स की जरूरत है। और अब मैं इसको तोड़ देता हूँ जल्दी से। ये टूट रही है और वापस ग्रास वापस डेरॉइट। सो मैं यहाँ पे अब बोलूंगा नहीं, ओ वाह बोलने की जरूरत है अब मुझे। मेरी एक मशरूम काव आ चुकी है और अब मैं इसका बहुत बड़ी चीटिंग करने वाला हूँ। मशरूम काव से मैं क्या चीटिंग करने वाला हूँ? मैं मशरूम काव से मशरूम स्ट्यू ले सकता हूँ, मशरूम काव से मशरूम स्ट्यू ले लूंगा, जिससे मेरे को खाने की कभी कमी नहीं होगी और ये मेरे को इन्फिनाइट टाइम तक मशरूम देती रहेगी, और मेरे लिए बहुत ईजी भी रहेगा वो लेना। बस मेरे को वो कप लेना है, वो वुडन वाला, जिससे बहुत इजी बन जाता है। सिर्फ आपको 3 वो चाहिए वो प्लांट्स। और इसके चक्कर में मेरी सिंपल वाली काव बाहर आते हुए मैं मार दूंगा, और मेरा चिकन भी बाहर आ चुका है उसके चक्कर में। सब बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे पिग्स और मेरे चिकन मेरे शीप सब बाहर आ रहे हैं। मैं तंग आ गया हूँ इनसे अब।
सो मैं इनको अरेंज कर लूंगा. अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एवरीबडी एंड बाय बाय.